इसके अंदर हम एंट्री करते हैं और यह है कैपिटरिया मेडिकल कॉलेज की कैंटीन जो बहुत ही लग्जरी बनी हुई है। नाइट के टाइम पे चलते हैं। मेडिकल कॉलेज का जो एरिया पड़ता है उसकी विजिटिंग के पास ही पड़ता है, बहुत भीड़ आ चुकी है यहाँ पे। ये नाइट का टाइम है, काफी शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से। हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हमने सोचा कि चलो नाइट के टाइम पे चलते हैं, मेडिकल कॉलेज का जो एरिया पड़ता है उसकी विजिटिंग कैसी होती है। आज नाइट का टाइम कम से कम 10 बज चुका है, इस टाइम पे हम बताएंगे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर इस टाइम पे भी सुविधाएं मिल जाती हैं। अगर आपको कहीं पे भी भूख लगती है तो आप यहाँ पे आके कुछ खा भी सकते हैं। तो नाइट के टाइम पे मेडिकल कॉलेज का एरिया जो होता है बहुत ही बिजी रहता है इस टाइम पे ही, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे ही बहुत सारे लोग आते हैं खाने पीने के लिए। इस टाइम पे हम गेट नंबर 3 के पास, यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें ओपन हो चुकी हैं, तो पेश करते हैं। और जैसे आपको डोसा वगैरह खाने के लिए कहीं सदर में जाना पड़ता तो इस टाइम पे आप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी स्नैक्स आपको मिल सकती है। ये जो आप देखते जा रहे हैं गेट नंबर 3 के पास ही पड़ता है, बहुत भीड़ आ चुकी है यहाँ पे, तो इस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ आपको आसानी से मिल जाएंगी यहाँ पे। अगर रात के कितना भी बजे हो तो 1 बजे तक न्यू बिल्डिंग में, जो हमारी मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग हो उसमें कैंटीन खुल चुकी है, कम से कम वो 1 बजे तक खुली रहती। आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये नाइट का टाइम है, काफी शानदार नज़ारा दिखता है यहाँ से, हर जगह लाइटिंग। ये न्यू बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, अभी कैंटीन खुली है इसके ग्राउंड फ्लोर पर ही, तो आप ये गेट नंबर 2 से ही विजिट कर सकते हैं वहां पे जाने के लिए। फूड प्लाजा के नाम से भी एक फूड से स्टोर खुला है, यहाँ पे भी बहुत सारी सस्ता सामान ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ जाना खास नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी दुकानें बनी सब मरीजों के हिसाब से ही बनी है। मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1, अगर आप झांसी में आए हो मेडिकल पे आपको रुकना है तो एक ही बिल्डिंग है यहाँ पे सीलाश्री, और एक है भारतीय गेस्ट रेस्टोरेंट। सीलाश्री काफ़ी अच्छा है, अगर आप आना रुकना चाहते हो तो मेडिकल पे एक बहुत बढ़िया होटल खुली है। मेडिकल कॉलेज पे काफ़ी एक मॉल भी खुला है जो टेंट्स मॉल के नाम से जाना जाता है, और ये आ गए हम मेन रोड पर ही है टेंट्स मॉल। इस चौराहे को हम श्रीजी चौराहे बोलते हैं, श्रीजी हॉस्पिटल यहाँ पे पास में ही पड़ती है। अब इसके आगे लग जाता है यूनिवर्सिटी एरिया, जहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें अभी भी ओपन होंगी। ये मेडिकल कॉलेज का डिपार्टमेंट रूम है, और यहाँ पे बहुत सारी डिपार्टमेंट की ओपीडी लगती है, जैसे कि न्यूरो, प्लास्टिक, यूरो, और ये इसका कैफेटेरिया का अंदर वाला डोर से इसके अंदर हम एंट्री करते हैं, और यह है कैपिटरिया मेडिकल कॉलेज की कैंटीन जो बहुत ही लग्जरी बनी हुई है, और ये भैया का रिसेप्शन पॉइंट है यहाँ पे। ये ओपन तो 1 हफ्ते पहले हो चुकी थी, लेकिन मेरा यहाँ पर फर्स्ट बार विजिट हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद हमें, और इसके रेट प्राइस लगे हुए हैं सब यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। हम अभी नाइट में आए हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन डे के टाइम में बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स, जीआर वगैरह सब लोग रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा बना है। ये हमारे दोस्त राहुल भाई बैठे हैं जो कि आइसक्रीम का टेस्ट ले रहे हैं, और ये मैंने राजभोग आइसक्रीम ली है जिसका मैं टेस्ट बताऊंगा आपको।
ये कैफेटेरिया काफ़ी सस्ता है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा महंगा हो, लेकिन स्वाद बड़ा अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। हाय गाइस, तो इस टाइम है हम मेडिकल कॉलेज झांसी की कैंटीन में, जो कि इसकी नई ओपनिंग हुई है और बहुत अच्छी सुंदरता के साथ इसे सजाया गया है। हर तरफ डेकोरेशन बहुत अच्छा है और यहाँ पे चाय वाला के नाम से कैंटीन खोली गई। काफ़ी कुछ सामान मिलता है चाय के अलावा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चाय मिलती है। तो आज हमने सोचा चलो इस कैंटीन का विजिट की जाए, तो हम यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए। जो मैंने खा लिया, जो कैंटीन थी वो मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 पे थी, और अभी कैंटीन जो खुली है न्यू बिल्डिंग में खुली है, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही इसका लोकेशन है। तो आप आगे एक बार विजिट जरूर करना, काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेशन किया गया है इसका, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे आगे सभी जगह। बेसिकली इस कैंटीन को यहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ हैं वो ही चलाती हैं, और नाइट के टाइम पे तो लड़कियों का रहना मुश्किल सा होता है, तो नाइट के टाइम पे ओनली इन्हीं का स्टाफ और मेल स्टाफ रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की गई है, और चाय वाले के नाम से कैंटीन खुली हुई, तो आप यहाँ की एक बार चाय कॉफ़ी जो भी हो, स्नैक्स जो भी कुछ खाना चाहो, तो एक बार ज़रूर आके विजिट करना। काफ़ी अच्छी कैंटीन खुली है यहाँ पे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।